Hello children, welcome to your maths video class. Children, if you are watching the videos, then you must be knowing that we are doing chapter 9 of your maths textbook, which is geometry. And in geometry, so far we have discussed 2D shapes and 3D shapes. ये हम discuss कर चुके हैं. हम discuss कर चुके हैं 2D shapes and 3D shapes. है ना? ये दो चीजें हम discuss कर चुके हैं अपने पिछले video में. और मैंने आपको शेप्स दिखाए भी थे अपने पिछले वीडियो में. मैंने आपको कुछ शेप्स दिखाए थे, 3D शेप्स दिखाए थे. 2D शेप्स में हमने क्या पढ़ा था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. 2D शेप में मैंने बताया था आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल. ये 4 शेप्स हमने पढ़ा था 2D शेप्स में. रेक्टेंगल आपको मैंने बताया था कि ये 2D शेप्स को हम प्लेन शेप्स भी बोलते हैं और 3D शेप्स को सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं. 2D शेप्स को प्लेन शेप्स एंड 3D शेप्स को सॉलिड शेप्स भी कहते हैं. अच्छा, रेक्टेंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको सही से बना दूं. ये बताया था मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी. आप लोग थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही थी इससे रिलेटेड, इसीलिए मैं इसको एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ. इसमें क्या है, ये रेक्टेंगल है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है, ये है रेक्टेंगल. इसमें 4 साइड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4. ये मैंने बताया था आपको, 1, 2, 3, 4. इन अवे वी आर रिवाइजिंग इट. एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट थोड़ा जब आगे का पॉइंट टॉपिक पे जाए तो आपको प्रीवियस वाला क्लियर रहे. तो इसमें 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं, है ना? ये देखिए, ये 4 कॉर्नर्स हैं. अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है या सेम होती है, अगर हम वर्ड यूज करें. जैसे कि ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये होगा, ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये होगा, है ना? अगर थोड़ा और बड़ा बना दो मैं तो, अगर इस तरह से, तो जितना बड़ा ये है उतनी ही लेंथ इसकी होगी और जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका होगा. मतलब ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम लेंथ का होगा. ऑपोजिट साइड इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि इसके उल्टी तरफ ये लाइन है तो ये इसके बराबर, जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा, ये जितना है इसके ठीक ऑपोजिट साइड जो साइड है वो इसके बराबर होगी. तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होती है. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करेंगे स्क्वायर की. डिवाइस करते हैं एक बार स्क्वायर को भी. ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक बार और रिवाइज करवा दूं. ये हुआ हमारा स्क्वायर. ठीक है, इसको थोड़ा अगर मैं बड़ा सा बनाऊं तो ये ऐसा दिखेगा. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, इसको थोड़ा मैं सही से बना देती हूँ. इट मे लुक, अब क्या है इसमें कि स्क्वायर में भी रेक्टेंगल की तरह ही सारे फीचर्स होते हैं, बस ये फीचर हमारा थोड़ा सा अलग होता है. रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या होता है, ये भी 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 साइड्स हैं. इसमें भी 4 कॉर्नर्स हैं, है ना? जैसे कि रेक्टेंगल में होता है एग्जैक्टली, इसमें भी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं. तो फिर डिफरेंस कहाँ है रेक्टेंगल और स्क्वायर में? डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती है, बगल वाली जो साइड वाली जो होती है, जो एडजेसेंट साइड होता है वो सेम नहीं होता है. लेकिन स्क्वायर में क्या है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. मतलब जितना लेंथ इसका होगा उतना ही इसका भी है, उतना ही इस वाले का भी है और उतना ही इस वाले का भी है. 4 साइड्स जो है वो सारी 4 साइड्स
इक्वल लेंथ की होती है, ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ये होता है स्क्वायर में, जो कि रेक्टेंगल में नहीं होता है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती है, एक दूसरे के सामने सामने वाली जो साइड होती है वो सेम होती है, सिमिलर होती है। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही मेजर फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब बात करेंगे ट्राइंगल की, ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं, है ना। ट्राइंगल में इसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं, वन टू थ्री, और थ्री कॉर्नर्स होते हैं जिन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टिसेस, एक से ज्यादा वर्टेक्स मतलब वर्टिसेस। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं थ्री साइड्स है और थ्री कॉर्नर्स है। यहां पर जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो सेम हो, ये जरूरी नहीं है। कोई किसी लाइन की लेंथ ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ ट्रायंगल। अब बात करते हैं सर्कल की, ये हुआ। अब सर्कल में क्या है कि कोई कॉर्नर नहीं है, सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं है, कोई विजिबल साइड नहीं है, हमें बस ऐसा गोल सर्कल सा दिखता है। ये थे हमारे 2D शेप्स। अब कौन सी चीजें हैं जो 2D शेप्स की होती हैं? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका शेप 2D हमें दिखता है या होती है। जैसे रेक्टेंगल शेप में क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में जो टेबल का टॉप होता है, जो टेबल होता है, जनरली जो सर्कुलर टेबल में की बात नहीं है, ये हम ऐसे वाले टेबल की बात कर रहे हैं, जो ऐसे वाला जो टेबल होता है तो उसका जो टॉप है ये रेक्टेंगल होता है ना। जो सेंटर टेबल का होता है वो भी अक्सर रेक्टेंगुलर ही होता है, आजकल बहुत से डिजाइन्स में मिलता है, सर्कल भी होता है, ओवल भी होता है, बहुत शेप में मिलता है, लेकिन जनरली जो पहले चलते थे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जो वो सेंटर टेबल भी अक्सर रेक्टेंगल शेप में होता था, उसका जो टॉप की बात हो रही है, टेबल के टॉप की जो होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है। आपका जो डेस्क, स्कूल में जो डेस्क था वो भी रेक्टेंगल शेप का ही था, उसका टॉप जो था वो रेक्टेंगल शेप का था। आपकी जो बुक्स हैं या जो नोटबुक्स हैं, जैसे कि अब ये नोटबुक है तो इसका जो ये है, ये क्या है, रेक्टेंगल शेप है इसका, है ना, आपको दिख रहा है ना रेक्टेंगल शेप, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है ना, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये ऑपोजिट साइड इसमें भी सेम है। तो ये जो शेप है, ये जो प्लेन सर्फेस दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये मोबाइल का कवर जो दिख रहा है ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। देखिए ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये वाली साइड सेम है, ये साइड और ये साइड, ये क्या है, अलग है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, मतलब ये और ये सेम नहीं रहेगी, ठीक है, ये आपको मैंने दिखाया था। फिर डस्टर का भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, अगर इसका सिर्फ फेस देखिए आप तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ये साइड और ये साइड सेम है, ये और ये सेम है। तो बहुत सी चीजें हैं जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। अब बात करेंगे स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप में कौन सी चीजें होती हैं। स्क्वायर शेप में बहुत सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे कुछ कुछ ब्रेड के स्लाइस होते हैं ना, वो होते हैं स्क्वायर शेप में। फिर जो लूडो का डायस होता है उसका एक एक फेस अगर आप देखेंगे तो वो भी स्क्वायर शेप का होता है। आपकी जो हैंकी होती है, हैंकर चीज, जो रुमाल आप यूज करते हैं, वो भी स्क्वायर शेप का होता है। ट्रायंगल शेप में क्या क्या चीजें होती हैं? ट्रायंगल शेप में होता है सैंडविच, ट्रायंगल शेप में होता है पराठा, है ना, ये सब ट्रायंगल शेप के अक्सर दिखते हैं। सर्कल शेप में चूड़ियां होती हैं, बैंगल्स होते हैं, वो सर्कल शेप के होते हैं, कॉइन सर्कल शेप का होता है। तो ये हमने बात की 2D शेप्स की, अब चलते ही हम बात करेंगे 3D शेप्स की। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं 3D शेप्स को, फिर हम अपने अगले पॉइंट्स पे जाएंगे। 3D शेप्स में हमने पढ़ा ट्यूब के बारे में, CUBD, ये हमारा
क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, है ना, ये हमने शेप्स पढ़े। क्यूब और स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, ये हमने पढ़े थ्री डी शेप्स जो हमने देखे भी। क्यूब जो है उसको मैं छोटा सा आपके लिए क्यूब बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये क्या है, क्यूब है, फाइव थ्री डी शेप्स पढ़ेंगे जिन्हें हम सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं। अभी क्यूब के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि क्यूब के सिक्स फेसेस होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी था। क्यूब के सिक्स फेसेस होते हैं, सिक्स फेसेस के अलावा इसमें 12 एजेस होते हैं, किनारे जिसको बोलते हैं। ये जो दिखता है इसको बोलते हैं फेस। तो ये सिक्स फेस हुए, जो एजेस हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, और कॉर्नर्स 8 होते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूं फेसेस क्यूब में 6 कॉर्नर्स 8 एजेस 12। ये हमने पढ़ा क्यूब के बारे में कि कोई भी जो क्यूब होता है उसमें 6 फेस होते हैं, उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एज होते हैं। फिर क्यूबॉइड के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, क्यूब का एक और चीज जो इम्पोर्टेंट फीचर है, मैं तुम्हें रिवाइज करवाना। क्यूब में क्या होता है कि उसका हर फेस, क्यूब का हर जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है। एवरी ईच फेस ऑफ क्यूब इज अ स्क्वायर। ठीक है, ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्यूब का जब आप सारे फेसेस देखोगे क्यूब के, तो सारे फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो क्यूब के जो सारे फेसेस हैं वो स्क्वायर होते हैं, मतलब कि टोटल 6 स्क्वायर्स होते हैं। क्यूब में टोटल 6 स्क्वायर होते हैं, क्योंकि हर फेस एक स्क्वायर होता है। क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड का भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती है एक्सेप्ट वन। क्यूबॉइड में भी फेसेस 6 होते हैं, कॉर्नर्स 8 होते हैं, एजेस 12 होते हैं। लेकिन फर्क कहां पर आता है, यहां आता है। क्यूबॉइड में हर फेस जो उसका होता है वो रेक्टेंगल होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं और 2 फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। दोनों केसेस होते हैं क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड का हर फेस, ईच फेस ऑफ अ क्यूबॉइड कैन बी अ रेक्टेंगल, और 4 फेसेस कैन बी अ रेक्टेंगल एंड 2 फेसेस स्क्वायर। यहां पर अभी मेरे पास एक जैसे ये देख रहे हैं, ये एक क्यूबॉइड का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है, तो ये भी रेक्टेंगल है, ये थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन अगर ये फ्लैट होता तो ये भी एक रेक्टेंगल होता। और चाहे ये देख लेते हैं इसको, ये ज्यादा मुझे समझाना इजी रहेगा। इसमें ये दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अगर ऐसे करती हूँ तो ये भी एक रेक्टेंगल है, ऐसे करती हूँ तो भी एक रेक्टेंगल है, और ऐसे दिखाया तो भी रेक्टेंगल है, और ऐसे दिखाया तो भी रेक्टेंगल है। थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर करूंगी तो ये क्यूब भी दिखने लगता है, ऐसा करेंगे ना तो ये क्यूब जैसा दिखता है। लेकिन अब ये पूरा डब्बा बंद करते हैं तो ये एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड के 4 फेसेस रेक्टेंगल होते हैं और 2 फेसेस स्क्वायर होते हैं, और किसी किसी केस में सारे के सारे फेसेस ही उसके रेक्टेंगल ही होते हैं। अब बात करते हैं कोन की। कोन में क्या होता है, 2 फेसेस होते हैं और 1 एज होता है कोन का। इसको मैं हटा देती हूँ, कोन में
सिलेंडर में थ्री फेसेस होते हैं, वन टू और ये वाला बीच का थ्री। फेसेस कितने हुए उसके? थ्री। एजेस कितने हुए? टू। और कॉर्नर एक भी नहीं, कॉर्नर नहीं, ठीक है। फेसेस थ्री, एजेस टू, कॉर्नर नहीं। ये सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रॉपरली नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। अब स्फीयर की बारी आती है। स्फीयर में एक फेस होता है, इसमें ना कोई कॉर्नर होता है ना कोई एज होता है, सिर्फ एक बड़ा सा ऐसे गोल गोल देखें तो बॉल की तरह होता है, तो एक ही उसका फेस होता है। अच्छा, हमने बात किया था चीजों का कि कौन कौन सी चीजें हैं जो क्यूबॉइड शेप की होती है, क्यूब शेप की होती है। तो क्यूब शेप में क्या होता है? आइस क्यूब होता है, डाइस होता है, क्यूब शेप में आइस शुगर क्यूब्स होते हैं, रूब्रिक होता है, ये सारे क्यूब शेप की होती हैं। क्यूबॉइड शेप में मैक्सिमम चीजें होती है, जो मैक्सिमम जो डब्बे आते हैं ना, कार्टन्स जो आते हैं आपके सामान वाले, वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं। आपका टीवी क्यूबॉइड शेप का है, आपका फ्रिज क्यूबॉइड शेप है, लैपटॉप मोबाइल, ये सारे क्या है? क्यूबॉइड शेप के हैं। इवन जो मेरे पास डस्टर है वो क्यूबॉइड है, ब्रिक जो ईंट होती है जिससे घर बनता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पर अभी मेरे पास एक पैकिंग वाला, जैसे मैंने बोला ना बहुत सी चीजें पैक होके आती है, तो मेरे पास अभी एक डिब्बा दिख रहा है मेरे रूम में क्लासरूम में, ये शायद ये ना वो है एलईडी स्क्रीन है कंप्यूटर की डेस्कटॉप की। तो देखिए ये क्या है? क्यूबॉइड ही है ना, दिख रहा है ना क्यूबॉइड शेप है ये इसका, ये क्यूबॉइड शेप में है ये पैकिंग बॉक्स, इसी में सामान आया है, ये स्क्रीन आई है एलईडी की लेनोवो की। तो ये मैं किसी लेनोवो का एड नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये डब्बा जो है ये क्यूबॉइड शेप का है, और मैक्सिमम जो चीजें होती है वो क्यूबॉइड शेप में ही आती है, जो सामान जो आता है ना क्यूबॉइड शेप का उसका बॉक्स होता है। तो क्यूबॉइड से बहुत फैमिलियर है। कोन शेप का क्या होता है? जोकर की जो कैप होती है, बर्थडे कैप्स होती हैं, जो कोन वाली आइसक्रीम होती है, ये सारे कोन शेप में होते हैं। माउंटेन भी कोन शेप का होता है, समोसा कोन शेप का होता है, तो ये सारी चीजें कोन शेप में हो गई। अब बात करते हैं सिलेंडर शेप का। सिलेंडर शेप की क्या बताया था मैंने आपको? मैक्सिमम बॉटल्स जो होती हैं वो सिलेंडर के शेप की होती हैं। आपका जो एलपीजी सिलेंडर है वो सिलेंडर के शेप का होता है। ग्लास जो आपके जिसमें आप पानी पीते हो वो भी सिलेंड्रिकल ही शेप का होता है। पेन मार्कर ये सारे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। क्रेयॉन्स जो आपके होते हैं वो भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो हमारे आसपास ये सारे शेप्स बहुत ही कॉमन है। स्फीयर शेप में क्या है? जितने भी बॉल्स हैं वो सब स्फीयर शेप के हैं, चाहे वो बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जितने भी तरह के बॉल्स होते हैं वो सब स्फीयर शेप के होते हैं। उसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब स्फीयर शेप के हैं। वाटरमेलन स्फीयर शेप का है, ऑरेंज स्फीयर शेप का है। तो बॉल जैसी जितनी भी चीजें हैं वो सब स्फीयर शेप में आती हैं। तो इस तरह हमने 2D और 3D शेप आज फाइनली रिवाइज भी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट्स एंड लाइंस के बारे में। जब शेप्स हमारे क्लियर हो गए, शेप का कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया, तो अब हम पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट किसको बोलते हैं और लाइंस किसको बोलते हैं? अब हमारा है टॉपिक पॉइंट एंड लाइंस। अब जैसे ये आप बोर्ड देख रहे हैं, इसको मैंने ऐसे ऐसे कर दिया नो, ये क्या है? ये एक डॉट है ना, इसी को पॉइंट बोलते हैं। अगर आपने कुछ भी अगर मार्क कर दिया किसी प्लेन पेज पर या किसी भी जगह पे, दैट बिकम्स अ पॉइंट, वो हो जाता है पॉइंट। जैसे यहाँ पे आपको ये सब दिख रहा है ना, वो जो ब्रोकन बोर्ड थोड़ा सा ब्रेक हो गया, ये एक डॉट की तरह दिख रहा है, तो ये क्या है? ये एक पॉइंट है। दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, ये तो मैंने अभी ड्रॉ किया है। तो अगर ऐसे कर दिया तो ये हो गया एक पॉइंट। एनी काइंड ऑफ मार्क डॉट ऑन स्क्रीन और पेपर और एनी वेयर, दैट इज अ पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। मैथ्स में हम उसे एक नाम दे देते हैं, जैसे अब ये है, मैंने ये डॉट दिया उसको मैंने पी बोल दिया, एक डॉट डाला उसको मैंने बी बोल दिया, एक डॉट डाला मैंने उसको ए बोल दिया, मतलब हम उसका नामकरण भी कर देते हैं। हम मैथ्स में उस पॉइंट को नाम लिख देते हैं, वहां पर ए बी सी डी कुछ भी अल्फाबेट वहां पर लिख कर उसका नाम रख देते हैं उस पॉइंट का, ठीक है।
तो पॉइंट क्या होगा, आप क्या कर सकते हो ना, जैसे कोई हम पेपर भी फोल्ड करते हैं, एक पेपर अगर मैंने लिया, मान लो लेट मी टेक अ पेपर ऑल्सो, ये एक पेपर लिया मैंने और इसको मैं फोल्ड कर रही हूं, ठीक है, ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब यहां पर जो कॉर्नर है ना, ये भी एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ठीक है। और जो हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे वो इस पॉइंट से ही रिलेटेड है। तो ये जो फोल्ड करने के बाद ये जो दो इसके कॉर्नर जैसे जो बन जाते हैं वो एक्चुअली में क्या है, पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी पॉइंट है। लाइन क्या होता है, इसको पहले मैं इरेज करूं तो मैं आपको लाइन भी बताऊं। दो पॉइंट्स मैंने बना दिए। अब मैंने क्या किया, इसको एक ऐसे लाइन, ऐसे दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। दोनों पॉइंट्स के मिलाने से क्या हुआ, कुछ बना। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन बट एक्चुअली लाइन सेगमेंट। इसलिए देखिए आपकी बुक में इसे सिर्फ लाइन कहा गया है, बट इट इज एक्चुअली लाइन सेगमेंट। लाइन खींचना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि लाइन एक ऐसी चीज है जिसका कोई एंड नहीं है। अगर ये जो लाइन है इसको, इसका क्यों कोई एंड है, इसको मैं ऐसे ऐसे करती जाऊं कितना दूर पूरा अर्थ को क्रॉस कर देगा, ये यहां से इस डायरेक्शन में कितना भी दूर चलता जाएगा, कोई इसका लिमिट नहीं है, है ना। लाइन आप कितना भी खींचते जाओ पूरा अर्थ क्रॉस कर लोगे, पूरा चलता ही चला जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ लाइन। तो जो हम ड्रॉ करते हैं एक्चुअली में, वो लाइन का एक टुकड़ा ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ अ पीस ऑफ लाइन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक पार्ट। व्हाट वी ड्रॉ इज एक्चुअली लाइन सेगमेंट, जो हम ड्रॉ करते हैं ना वो लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक टुकड़ा, अ पीस ऑफ लाइन, नॉट एक्चुअली लाइन। पर अगर हमें बताना ही हो लाइन तो हम कैसे बताएंगे फिर, ये तो लाइन सेगमेंट हो गया जो ड्रॉ किया है। तो मुझे बताना है एक्चुअली कि मैं लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो हाउ विल आई शो, तो मैं क्या करूंगी, इसको इधर से एरो बना दूंगी, इधर से ऐसे एरो बना दूंगी, ये हो जाएगा लाइन। इसका मतलब ये सिंबल है लाइन का, कि ये जो है ऐसा एरो, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में कितना भी दूर जा रहा है, और ये इधर है मतलब ये इस डायरेक्शन में कितना भी दूर जा सकता है। नाउ दिस इज लाइन, ये अब लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये शो कर रहा है कि लाइन इस डायरेक्शन में कितनी भी दूर जा सकता है, और ये एरो ये शो कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में कितनी भी दूर जा सकता है। नाउ दिस इज लाइन, अब ये लाइन हो गया, ठीक है। दिस अगर मैं इसको मिटा देती हूँ, इस एरो को मिटा के सिर्फ ऐसे डॉट स्ट्रोक्स करती हूँ, तो ये हो जाता है लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक पीस, अ पीस ऑफ लाइन, एक टुकड़ा लाइन का, ठीक है। तो व्हाट वी व्हेन वी ड्रॉ लाइन, जिसको हम लाइन कहते हैं एक्चुअली में, वो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि लाइन सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट वर्ड आपके बुक में नहीं है, पर एक्चुअली में ये लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और कोई भी दो डॉट्स आप मिलाओगे तो लाइन सेगमेंट बन जाएगा, एनी टू डॉट्स, कोई भी दो डॉट मैंने यहां लाइन डॉट में, और इसको जब मैं ज्वाइन करूंगी ना तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। जब आप टू डॉट्स को ज्वाइन करते हो, टू पॉइंट्स को, मैं डॉट ना बोलूं तो टू पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, एनी टू पॉइंट्स। यहां मैंने एक पॉइंट बनाया, यहां एक पॉइंट बनाया, इसको ज्वाइन किया, लाइन सेगमेंट हो गया। यहां एक पॉइंट बनाया, यहां एक पॉइंट बनाया, दोनों को जोड़ा, लाइन सेगमेंट हो गया। इधर एक बनाया, इस तरफ बनाया, दोनों को जोड़ेंगे तो लाइन सेगमेंट। कभी भी हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, एनी टू पॉइंट्स, वेन एवर वी ज्वाइन टू पॉइंट्स वी गेट अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। वेन एवर वी ज्वाइन टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स वी गेट अ लाइन सेगमेंट, हमको एक लाइन सेगमेंट मिल जाता है, एनी टू पॉइंट्स। और फिर हम मैथ्स में उसको नाम भी दे देते हैं। अब जैसे मैंने इतनी सारी लाइन सेगमेंट्स बनाई है, नाउ आई विल से इसका नाम बी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है, इसका नाम एस है, ये ए है, ये बी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है, ये एस है और ये डी है, बस। तो हमने एक्चुअली में क्या ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट।
टू पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और हमारा बन गया लाइन सेगमेंट। लेकिन अब आपको बहुत सी चीजें इसमें ध्यान रखनी है, बतानी है मुझे कि लाइन भी एक जैसे नहीं होती, लाइन भी कई तरह की होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइन इनफैक्ट। लाइन जो है वो तीन तरह की होती है। देखिए अगर हम मैंने ऐसे इस तरह से अगर मैं लाइन बना रही हूं, उसको मैंने नाम दिया ए बी, ये भी मैंने ऐसे बनाया सी डी। ये जरूरी नहीं कि आप ए बी ही नाम दो, यू कैन गिव एनी नेम, एक्स वाई पी आर एस टी यू वी, जो भी आपको नाम देना है आप नाम दे सकते हो। यहां पे मैंने जैसे ये डॉट मान ली थी इसको, और यहाँ पे डॉट है, इन दोनों को ज्वाइन किया और मैंने कहा ये एक्स है और ये वाई है, एक्स और वाई, ठीक है। एक डॉट बनाया, एक डॉट बनाया, उसको ज्वाइन किया, ये हो गया आर और ये हो गया एस। जितनी भी मैंने लाइन बनाई है ना, इनको कहते हैं वर्टिकल लाइंस। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस, वी ई आर टी आई सी ए एल, वर्टिकल लाइंस। क्यों वर्टिकल लाइंस? क्योंकि सब खड़ी लाइनें हैं। जितनी भी स्टैंडिंग लाइन होती है उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस। जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, जो सीधी ऐसे खड़ी रहती हैं, उनको हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस। अब जैसे ये मैंने मार्कर ऐसे लिया है, तो ये कैसे है? ये वर्टिकल लाइन में है खड़ा। कैसे खड़ा है? ये वर्टिकल है, ठीक है। तो जो पोजीशन ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन जो होती है, स्टैंडिंग लाइन जिसको हम कहते हैं, उसको हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। आपने छोटी क्लास में जब आप एलकेजी या यूकेजी में रहे होंगे, तो इन लाइंस को आपने पढ़ा होगा स्टैंडिंग लाइन्स। उसी को हम कहते हैं, अब आप बड़े हो गए हो ना थोड़ा, अब आप यूकेजी में नहीं हो, अभी आप एलकेजी में नहीं हो, तो अब इसको आप दूसरे नाम से जानोगे, इसे आप कहोगे वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब आप इसको स्टैंडिंग लाइन नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे वर्टिकल लाइंस, ठीक है। छोटे क्लास में रहते थे जब प्री नर्सरी वगैरह में, तब इसको स्टैंडिंग लाइन के रूप में जानते थे। जब आपने एबीसीडी सीखा होगा ना, तो फिर कैसे सीखा होगा, ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन, है ना, कोई लेटर सीखा होगा, पहले स्टैंडिंग लाइन खींचना है ना। तो ये है, ये जो है स्टैंडिंग लाइन, इसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है। मैथ्स में स्टैंडिंग लाइन नहीं बोलते, मैथ्स में उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन्स। जितनी भी ऐसी लाइन्स आप देखोगे, उसे आप कहोगे वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है, अब आपको स्टैंडिंग लाइन नहीं बोलना है, अब आपको बोलना है वर्टिकल लाइन्स, क्योंकि आप मैथ्स में पढ़ते हो इसको, तो ये वर्टिकल लाइन्स है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिर से, मैं दो पॉइंट्स बना रही हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसका नाम रखा मैंने सी डी। एक और बनाया थोड़ा छोटा सा, उसका नाम रखा मैंने एफ जी। एक और बना रही हूं, इसका नाम मैं रख लेती हूं एस टी। ऐसे ऐसे बना लिया, और इसका नाम मैंने रखा एम एन, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये सारी जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये क्या है? लाइन सेगमेंट, ऑफ कोर्स लाइन सेगमेंट है, ये लाइन का टुकड़ा ही है ना, पूरी लाइन तो है नहीं, लाइन का पीस है ये। इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, मतलब कि स्लीपिंग लाइंस। आप जब छोटी क्लास में थे, जब आप प्री नर्सरी में थे, लोअर केजी अपर केजी में थे, तो आपने इन्हीं लाइंस को पढ़ा होगा स्लीपिंग लाइंस में, स्लीपिंग लाइंस, ठीक है। लेकिन अब ये स्लीपिंग लाइंस नहीं है, अब आप थोड़े बड़ी क्लास में आ गए हो, अब आप मैथ्स में पढ़ रहे हो, तो आप इसे बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। कौन सी लाइंस? हॉरिजॉन्टल, ऐसे, ये वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आज आपने टू टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा,
पॉइंट्स क्या होते हैं वो पढ़ा और आपने रिवाइज किया 3D एंड 2D शेप्स को. अब इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. हम लाइंस के बारे में और पढ़ेंगे. अभी एक और टाइप का लाइंस बताना मुझे बाकी है और उस लाइन से रिलेटेड फिर हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस. ओके, पर आज नहीं करेंगे, वो सब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवाइज कीजिए और किसी भी तरह का डाउट होगा तो डू क्लियर इट इन योर ऑनलाइन क्लास. ओके, थैंक यू.